तो भाई हमारा जो न्यू अपडेट है, क्या इसमें बुलेट ट्रेन या वंदे भारत आ चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ है कि आप पुलिस स्टेशन में और घर में जेट पैक से एग्जिट करके जा सकते हो, लेकिन आप किसी भी बिल्डिंग में जेट पैक से नहीं जा सकते। तो गाइस इधर देखो, मैं घर के पास आ चुका हूँ जेट पैक से, और मैं कांच के अंदर से नहीं जाऊँगा, दीवार के अंदर से ही जाऊँगा ताकि हम लोग अच्छे से इमेज चेक कर पाए। और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन देखो मैं घर के अंदर आ गया जैसे ही मैंने जेट पैक से एग्जिट किया है। तो अब हम इसी जेट पैक से जाएंगे पुलिस स्टेशन के अंदर, और कांच से नहीं जाएंगे क्योंकि कांच से तो अंदर चले जाता है, दीवार से जाने की कोशिश करेंगे हम लोग बिल्कुल ही आराम से। ठीक है, यहाँ पे आए, रुको थोड़ा सा चिपक जाऊँ मैं दीवार से और एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पुलिस स्टेशन के अंदर भी आ चुका हूँ बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे ये चीज़ बिल्डिंग्स पे। तो बिल्डिंग स्पॉन करता हूँ एक, जैसे कि ये मैंने B2 से स्पॉन करी एक बिल्डिंग, इसके अंदर जाने की ट्राई करते हैं। तो इससे मैं चिपक चुका हूँ बिल्कुल अच्छे से, एग्जिट मारेंगे, अंदर मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मैं अंदर ही आ गया हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हो मैं अंदर ही हूँ इसके, है ना, और मैं चाहूँ तो बाहर भी आ सकता हूँ, बस निकल के आना है मुझे। लेकिन हम इसे एक और बिल्डिंग पे चेक कर लेंगे। ये वाली बिल्डिंग मैंने अलग स्पॉन करी गाइस, ये पिछली वाली से अलग है, और इसमें आप देख सकते हो मैंने जाने की कोशिश करी तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं उस एरिया से जा रहा था जो कि थोड़ा बाहर निकला हुआ था, जो कि रेड कलर में पेंट हुआ था। अब मैं किसी अलग जगह से जाऊंगा तो ये शायद अंदर चले जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग अंदर जा सकते हैं बिल्डिंग के, बस जगह सही होनी चाहिए। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि ब्रैकियो बिग नेक वाले डायनासोर की आइस ब्लिंक होती है और किसी की नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ जुरासिक पार्क में। अब हम लोग एक एक डायनासोर की आंख के पास जाकर देखेंगे क्या ये लोग आइस ब्लिंक करते हैं क्या। लेकिन एक दिक्कत है कि ये लोग मुझे मारे नहीं, इसके लिए मैंने इन्फिनाइट हेल्थ लगा लिए। बट एक और दिक्कत ये आ गई है कि ये एक जगह पे रुक ही नहीं रहे, तो मैं इनकी आंख देखूं कैसे। अच्छा, एक बढ़िया तरीका भी है मेरे दिमाग में, हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर इन सबको स्पॉन कर देते हैं ना, तो इससे क्या होगा, ये लोग एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, तो मैं आराम से अपना काम कर लूंगा। ये बिल्डिंग के ऊपर हम स्पॉन करते हैं डायनासोर को, पहले 50 वाले को करके देखते हैं। ये तो ऐसे दिख जाएगा, इसकी हाइट छोटी सी है, तो आप इसकी आंख देख सकते हो ये ब्लिंक नहीं करता है। ठीक है, आंखें मतलब नहीं झपकाता है। ठीक है, अब 51 से बुलाते हैं, ये थोड़ी लंबी हाइट वाला है, इसके लिए हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा, इसलिए पहले सबको स्पॉन कर देते हैं, फिर जेट पैक से चलेंगे ऊपर हाइट में। चलो, फर्स्ट बारी है अपने टीरेक्स की। इसकी आंख देखो, इसकी आंख तो मुझे सेम वेलोसिराप्टर जैसी लग रही है, और इसकी आंख बंद नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये झपका नहीं रहा है। नेक्स्ट स्पाइनो को देखते हैं। अभी ये तो ब्रैकियोसॉरस के पेट के अंदर छुप गया, भाई ये बाहर तो निकालो इसको, मैं इसकी आंख कैसे देखूं, इसकी आंख ही नहीं दिख रही है। करेक्ट, आंख ही अंदर छुपी है, बाकी दांत बाहर आ रहे हैं पूरे। इसके कारण मैंने एक दूसरा स्पाइनो स्पॉन किया है, और इसकी आंख भी मुझे वेलोसिराप्टर जैसी दिख रही है, ये तो बिल्कुल वेलोसिराप्टर जैसा ही लग रहा है इसका मुंह भी, और इसकी आंख भी ये नहीं झपका रहा है। लास्ट बचा हमारा, जिसकी बात हुई थी लंबे वाले डायनासोर की, ब्रैकियोसॉरस की। तो चलते हैं भाई, कौन से माले में इसकी गर्दन। ठीक है, आ चुका हूँ मैं, अब देखते हैं। तो इसकी आंख पर जोर डाला जाएगा, ये अपनी आंखें झपकाता है यार, बाकी और कोई नहीं कर रहा है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि कंस्ट्रक्शन साइट के सैंड में आपका पैर सैंड के अंदर थोड़ा बहुत जाता है। तो गाइस ये आ चुका हूँ मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, यहाँ पे सैंड वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, इसको आप सैंड बोल सकते हो, ये सैंड भी हो सकती है, सीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम सैंड मान के चलते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग पैर रख के देखते क्या होता है गाइस। तो अभी तो पैर अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पैर अंदर जा चुका है, तो मतलब थोड़ी बहुत फाइनली हम लोग को सैंड वाली फीलिंग आ रही है भाई, क्योंकि पैर इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि और कुछ तो हम इसके साथ कर नहीं सकते, ना JCB से इसको उठा सकते हैं, ना कुछ कर सकते, बस यही थोड़ी बहुत फीलिंग आप ले लो, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि KTM स्पॉन करो, उसके बाद उसे RGB करो, उसके आगे वाले कांच ट्रांसपेरेंट दिखेगी और नॉर्मल KTM में थोड़ा डार्क ब्लैक दिखता है। तो हमारे इस न्यू अपडेट में न्यू KTM का मॉडल आया है, जो कि 1210 की चीट कोड से आता है। तो मैंने इधर दो KTM स्पॉन करिए, एक को हम लोग RGB कर देंगे और दूसरी को हम लोग नॉर्मली कंपेयर करेंगे। तो एक को करते हैं RGB, इस वाली को कर लेते हैं। ठीक है, बगल में आप कांच भी देखते रहो। अरे ये कौन सी RGB हो गई, मैं उस वाली को कर रहा था। ठीक है, तो ये वाली देख लेते हैं। तो गाइस इसका आप कांच देख सकते हो, ये अलग ही लाइट कलर में हो चुका है, और बगल वाली का देखो वो थोड़ा डार्क ब्लैक कलर में। तो ये RGB करने से हुआ है, पहले ये भी कांच इसका काला ही था, है ना, तो ये थोड़ा कम काला हो चुका है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, अभी आप इसके कांच को नोटिस करना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ स्क्रीन में। अब जैसे ही मैं इसको RGB करूंगा, इसका कांच देखो,
ये थोड़ा सफेद हो गया, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि W3 में प्रॉपर शेडो नहीं है अगर हम उसकी नेट की शेडो को देखते हैं। तो गाइस न्यू अपडेट में W3 से एक और वॉल आती है जिसके में भाई जाली लगी अंदर। तो गाइस ये बहुत अच्छी लगती है वैसे देखने में। तो इसकी शेडो में देखें तो भाई इसकी शेडो में इसकी जो जाली वाला पार्ट है ना वो दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बाकी पूरी वॉल दिख रही है लेकिन जाली वाला पार्ट दिख ही नहीं रहा है। अच्छा एक और चीज़ टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर मैं इसके पीछे खड़े हूँ तो क्या मेरी शेडो दिखेगी? अच्छा मेरी दिख रही है लेकिन जाली की नहीं दिख रही है, आप सोच रहे हो, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि मेगा रैम पर H1 डालो फिर सेव डाटा लिखकर हाउस के अंदर जाकर पोजीशन सेव करो फिर गेम हटाकर लोड करो फिर देखो मैजिक। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने मेगा रैम के ऊपर H1 से हाउस स्पॉन कर दिया है। ठीक है अब हम लोग को क्या करना है, सेव डाटा करना है। अच्छा पहले अंदर जाना है ना, रुको भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहले हम लोग को सेव डाटा करना है। तो सेव डाटा करूँगा तो घर सेव हो जाएगा है ना। ठीक है घर मतलब मेगा रैम के ऊपर सेव हो जाएगा। अब मुझे घर के अंदर जाना है, तो घर के अंदर जाने के लिए मेरे को कार चाहिए रहेगी। 4000 से मंगाते हैं कार को और फिर चलते हैं इसके अंदर। इसकी दीवार पे हम लोग लगाएंगे कार को फिर एग्जिट मारेंगे सीधे आ जाएंगे हम लोग अंदर। तो ये हम लोग इसके अंदर आ चुके। अब मैं यहाँ पे गेम नहीं मेरी पोजीशन सेव करता हूँ ना, काफ़ी कन्फ्यूजन है भाई क्या सेव करना है। तो मेरी पोजीशन मैंने सेव कर दी, अब मैं एक गेम लगाता हूँ। तो अब मुझे लोड करना है ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है वहाँ से मैं नीचे गिरने वाला हूँ। तो लोड लिख लेते हैं भाई, टिक क्यों नहीं हुआ, टिक करो इसको। तो यहाँ पर टिक करते हैं हम लोग, तो आ चुका हूँ मैं। ओके गाइस मेगा रैम तो है नहीं, हमने लगाया नहीं वाला मोड, घर है लेकिन, तो समझ रहे आप, घर हवा में उड़ रहा है भाई, फ्लाइंग हाउस है ये और रियल फ्लाइंग हाउस है क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है। लेकिन मैं उसके अंदर कैसे नहीं गया मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ हो सकता है उसके नीचे कुछ हो ही नहीं भाई, जब फ्लोर ही नहीं है तो नीचे ही गिरेंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं स्काईफॉल मारूँ ना तो शायद ऊपर आ जाए। भाई ये स्काईफॉल से भी ऊपर है, घर स्काईफॉल से ऊपर कैसे हो सकता है यार, इतनी हाइट पे है क्या? ठीक है तो कुछ तो करना पड़ेगा, प्लेन से जा सकते हैं हम लोग। घर तो मुझे दिख चुका है लेकिन अब मुझे ना पायलट बनना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्लेन है इसको कंट्रोल करना इतना आसान है नहीं, और इस छोटे से घर के ऊपर जो कि उड़ रहा है लैंड करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो हम लोग लैंड करने वाले हैं भाई, सब अपनी सीट पकड़ के बैठ जाओ, ये लो भाई। लेकिन यार मुझे ऊपर वाले में लैंड करना था तो उससे फिर मैं कुछ और चीज़ें भी कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गए काफ़ी है। अब देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट मेरा प्लान है कि इसके ऊपर जाना है। तो ऊपर कैसे जाया जाएगा गाइस? वैसे यार मैं अभी हवा में उड़ रहा हूँ, आपको बता दूँ गाइस काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम लोग, और ये उड़ते हुए घर के ऊपर हम लोग जो कि बिना किसी सपोर्ट के उड़ रहा है। अब मुझे ना इसकी छत के ऊपर जाना है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं सुपर जंप 1-2-1-5 से। लेकिन किस्मत है गाइस, किस्मत है अगर इसके ऊपर गिरा तो, और क्या अच्छी किस्मत है भाई, सही ऊपर ही गिरा हूँ बिल्कुल आके। अब देखो भाई नीचे यार, अब मैं सोच रहा हूँ भाई इसके कॉरिडोर में अगर मैं गिर सकूँ तो कितना सही रहेगा ना। लेकिन किस्मत है, वो भी किस्मत है गाइस, एक और बार किस्मत को टेस्ट करते हैं। ये गिरा नीचे, अरे नहीं बाहर गिरा, आधा शरीर गिरा और अंदर की साइड गिर गया भाई, मजा आ गया यार। किस्मत भाई सेकेंड टाइम में भी काम आ गई, मतलब मैं गिर सकता था बाहर लेकिन पता नहीं कैसे अंदर ही गिरा। और ये हम लोग भाई घर के अंदर आ चुके हो यार, अब एक और चीज़ मुझे दिख चुकी है, अब यहाँ पे भी किस्मत ट्राई करनी पड़ेगी भाई। नहीं ओके, लुढ़कना नहीं ओके गाइस, हम लोग यार क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। लेकिन फाइनली मैं घर के अंदर मतलब अंदर वाले गेट पर आ चुका हूँ, कहाँ से कहाँ होके, और यहाँ से अब मुझे फील आ रही है कि अब मैं सच में भाई उड़ रहा हूँ, वो भी एक उड़ते हुए घर के ऊपर। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप RGS टूल में बुलेट ट्रेन लिखोगे तो होगा मैजिक। तो गाइस काफ़ी लोग मैंने सुना था कि भाई उनको वंदे भारत चाहिए, बुलेट ट्रेन चाहिए इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। तो भाई हमारा जो न्यू अपडेट है, क्या इसमें बुलेट ट्रेन या वंदे भारत आ चुकी है भाई, ये हमें चेक करना पड़ेगा RGS टूल में लिख के। तो चलो फिर देखते हैं क्या आती है बुलेट ट्रेन। पिछली बार भी कोई ट्रेन नहीं आई थी और इस बार भी कोई ट्रेन नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक पटरी देखो खाली है तो इसमें ट्रेन आने वाली होगी। मुझे तो लगता है इस पे एक और ट्रेन आएगी, देखते हैं कब तक आती है, अभी के लिए ये मिथ बस्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना अपने अपने मिथ ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।